सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंकेश 41 यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज अपन अपनी साइकिल में लगाने वाले हैं बहुत ही अलग तरीके की लाइट। तो आज अपन लगाने वाले हैं अपनी साइकिल में पुलिस लाइट। वो गाइस बहुत कमाल की लाइट है, मस्त ब्लिंक होती है। तो मैं आपको लाइट दिखा देता हूँ, तो आप लोग ये लाइट देख सकते हैं गाइस, ये पैकेज में है। तो ये लाइट आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी और इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं फ्लैशर वगैरह सब कुछ है। तो ये बहुत अच्छी तरीके से ब्लिंक करने वाली है। तो यहाँ पे अपन इसको अपनी ऑक्टेन में लगाने वाले हैं और इसको अपनी ब्लू वाली साइकिल में भी लगाएंगे, तो दोनों साइकिल में कंप्लीट हो जाएगी। और तो चलिए गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया गाइस, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो आजकल गाइस, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पार्सल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे ये अभी अभी रिसीव हुआ है मेरे पास। मेरे को भी नहीं पता इसके अंदर क्या है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं भी इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ एंड इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट सेक्शन में पिन हो रखा होगा, मिल जाएगा। तो आप उसको जाके वहाँ से बाय कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे एक कूपन कोड भी मिल जाएगा मयंकेश41, उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10% आपका ऑफ मिल जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं और जिनको भी नीड है वो इसको खरीद सकते हैं। तो अभी गाइज इसको अनबॉक्स कर देते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। गाइज मैं यहाँ पे सीजर ले आया हूँ एंड इसको यहाँ से इस तरीके से खोल लेता हूँ। तो आपको ये पैकेज के अंदर एक और पैकेज मिल जाएगा एंड ये बबल ट्रैप में रैप्ड है। बहुत अच्छी तरीके से इसकी पैकिंग करी गई है गाइज एंड ये अमेजोन का कार्ड है, इसको साइड रखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस, पैकिंग कितनी अच्छी तरीके से करी गई है इसकी एंड इसको अब खोल लेते हैं अपन लोग। तो ये खुल गया है गाइस। ओके गाइस, इसमें ऑयल कैन है अपने लिए। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी, मेरे को साइकिलों में अपनी जो लीवर वगैरह है उसके लिए बहुत ज़्यादा नीड थी ऑयल कैन की। तो यहाँ पर अपना ऑयल कैन आ चुका है गाइस। तो इसको मैं अच्छे से और खोल लेता हूँ एंड आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। ये अपना ऑयल कैन का, ये पूरा अपना ऑयल कैन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे इसका जो वो रहता है इसको भी मैं खोल लेता हूँ एंड आपको पूरा प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये अपनी ऑयल कैन है एंड यहाँ से आप इसमें ऑयल फिल कर सकते हैं इसको इस तरीके से खोल के। आप लोग क्वालिटी देखिए गाइस, कितनी अच्छी क्वालिटी। यहाँ से आप इसमें ऑयल फिल कर सकते हैं एंड यहाँ पे ऑयल जाएगा पूरा। तो यहाँ पे आप इस पे ऑयल फिल करने के बाद इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे रबड़ लगी हुई है, इसको निकाल देंगे अपन। तो गाइस, जो अंदर ये इसके देख सकते हैं आप लोग, कितनी सेफ्टी से रखी हुई थी एंड ये यहाँ पे ये इसको टाइट हो जाएगा ये ऑयल कैन का इस तरीके से एंड आप इसको नट से किसी भी डायरेक्शन में सेट करके कर सकते हैं यूज़। तो आप देख सकते हैं गाइज, ये रेडी टू यूज़ है। तो गाइज, इसको बाय करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा पिन हुआ हुआ। और यहाँ पे मयंकेश41 इसका प्रोमो कोड है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। तो जाओ गाइज, अभी इसको बाय करो। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये सारी चीज़ों की भी जरूरत पड़ने वाली है, तो आप लोग देख लीजिए और ये वाली सारी चीज़ें भी ले आना। अगर आपको बैटरी दूसरी मिल जाती है तो आप बैटरी दूसरी ले सकते हैं। ये मैं 9 वोल्ट बैटरी ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बड़ी बैटरी यहाँ पे लग नहीं पाती है साइकिलों में। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ डबल साइडेड टेप, एक ब्लैक वायर और एक फेविक्विक, एक क्लिक स्विच, कैची एंड अपना वायर कटर। तो ये सब चीज़ों की आपको भी नीड पड़ेगी, तो ये चीज़ें आप भी ले लेना। तो चलिए आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये पैकेज अपने पास है जो लाइट का, इसको अपन खोल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लाइन मिल जाती है, उसको आप काट देंगे तो ये ऐसे खुल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं पैकेज इसका थोड़ा ख़राब था, पर लाइट अपनी बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये इस तरीके के आपको देख सकते हैं गाइस, रेड एंड ब्लू कलर में आपको फिनिश मिल जाती है। दो माउंट आपको इसके साथ मिल जाते हैं एंड इसका जो वायर क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं कितना थिक वायर दिया है इस पर, और ये ख़राब नहीं होगा। और ये जो आप मॉड्यूल देख रहे हैं इस पर भी अच्छे से इन लोगों ने रबड़ की वो चढ़ाई हुई है ताकि ये वाटर प्रूफ बन जाए। पर आप इसको ज़्यादा वाटर में मत चलाना, तो ये ख़राब भी हो सकती है। तो इसको अपन मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये काम कर रही है। तो यहाँ पर इसको मैं ब्लैक से ब्लैक लगा दूंगा, रेड से रेड लगा दूंगा,
तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों चालू हो चुकी हैं इस तरीके से, फ्लैश करती रहेंगी और ये इसका स्लो मोड आ गया, तो अपने हिसाब से मोड चेंज करता रहता है। तो चलिए मैं इसको अपनी साइकिल में इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपको लुक दिखा देता हूँ। तो गाइज मैंने जो आपको डबल साइड टेप दिखाया तो वो यहाँ पर आपके काम आएगा। तो यहाँ पर आप इसको इतना काट लेना एंड जो एक माउंट है इसका क्लैंप पे आप इसको इस तरीके से लगा देना। सेम साइड आप ये वाली साइड भी कर देना, रेड वाली साइड। तो ये यहाँ पे मैंने इसको काट दिया, देन गाइस मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दूँगा और जो ओवर हो रहा है उसको मैं यहाँ से इस तरीके से काट दूँगा गाइस। सो गाइस जैसे कि आप लोग की लाइट देख सकते हैं, तो मैंने इसको आप लोग देख सकते हैं इसकी लेंथ अपन चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ तक आ रही है। पर मैं इसको थोड़ा पास में सोच रहा हूँ, यहाँ यहाँ लगा देता हूँ। तो इसका जो टेप है इसको बाहर निकाल लो एंड गाइस इसको अंदर की साइड में रख के कुछ इस तरीके से मैं लगा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग ये वाली अच्छे से फिक्स हो चुकी है, और आप इसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इस पे जिप टाई भी लगा सकते हैं एंड थोड़ा सा ब्लैक टेप भी ऊपर से लगा सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छे से फिक्स हो जाएगी। तो मैं ब्लैक टेप थोड़ा सा लगा दूंगा अभी इसमें एंड यहाँ पर जो ब्लू वाली है इसको भी मैं फिक्स कर लेता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं फाइनली अपनी साइकिल में जो अपनी जो लाइट्स है वो इंस्टॉल हो चुकी हैं, और आप लोग देख सकते हैं कितनी प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुई है, ज़रा सी भी नहीं हिल रही है, ये वाली भी नहीं हिल रही क्योंकि मैंने इसके ऊपर ब्लैक टेप और लगा दिया है हल्का सा। तो यहाँ पर ये एकदम फिक्स हो चुकी है। अब जो इसकी वायरिंग है वो कर देते हैं गाइस, जो वायरिंग है वो यहाँ पर आ गई है। तो इस वायरिंग को अच्छे से यहाँ पर हाइड करते हुए अपन रखेंगे एंड बैटरी माउंट कर देंगे यहाँ पर कहीं पर ही। मैं सोच रहा हूँ यहीं पे बैटरी लगा देता हूँ ताकि बैटरी लग जाए एंड यहीं पे इसका कनेक्शन दे देंगे। तो चलिए गाइस इसकी बैटरी लगा देते हैं एंड इसको कनेक्ट कर देते हैं। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना वायर बैटरी और स्विच का कनेक्शन कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच अच्छे से लग चुका है, बंद चालू हो रहा है और ये बैटरी यहीं पर इसी के साथ में लगी हुई है और ज़्यादा दिक्कत आ नहीं रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अपना हैंडल अच्छे से मुड़ रहा है एंड यहाँ पर जो लाइट्स है वो भी लगी हुई है। तो अब बस इसका कनेक्शन करना है एंड आप इसको कुछ शॉट्स देखिए रात के एंड मैं आपको ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ इसका। तो गाइज अभी यहाँ पे एक दिक्कत हो गई है, जो यहाँ पे हमने स्विच लगाया था इसमें बैटरी पे, तो गाइज ये ख़राब हो चुका है तो ये काम नहीं कर रहा है। तो इसको अपन हटा देते हैं एंड जो अपनी लाइट से गाइज उसको डायरेक्ट कर देते हैं एंड लुक दिखा देता हूँ मैं आपको ये सब पैक करने के बाद कि कैसा आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर इसका ये कनेक्शन मैंने यहाँ पर दिया एंड आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी लाइट्स जल रही हैं। तो गाइस आप इसके सारे मोड्स देख सकते हैं कि इस तरीके से ये मोड्स काम कर रहे हैं इसके। तो मैं आपको इसका नाइट व्यू भी दिखा देता हूं गाइस। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपनी लाइट्स जो है इस तरीके से ब्लिंक कर रही है, तो ये रात में कुछ इस टाइप का लुक इसका निकल के आने वाला है और ये काफी ज्यादा ब्राइट है गाइस, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगी, पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक करना, चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।